साथ ही शिवसेना के सांसद आदरणीय श्री अरविंद सावंत जी और श्रीमती विमलेश ब्रजवाल जी सचिव मेघ मंडल संस्थान और दोस्तों सबसे पहले वो नाम अता येणार आहेत मनसावर आमसी मुंबई से चित्रकार कलाकार श्री शशि बने जी कोकण क्षेत्र में रत्नागिरी के देवरुख की पैदाइश और इन दिनों तो हम रोज याद कर रहे हैं वो पीले पीले रसीले मीठे मीठे आम को पेंटिंग्स में भी उसकी बखूबी वो नजर आती है साथ ही इस धरा की इस मिट्टी की सौंधी सौंधी सुगंध हम सम्मान करना चाहते हैं आदरणीय राज्यपाल जी के हाथों श्री शशि बने जी सर दोन शब्द मराठी मध्ये फक्त दोन शब्द नाही हँग होत आहे जाम क्या व्हिडिओ लो ना ओइले फक्त दोन शब्द हमारे पास समय की बहुत कमी है ऑन है सर ऑन सर पास सर ऑन है माइक व्यासपीठावरील मान्यवर आणि आज जो सत्कार समारंभ या ठिकाणी आयोजित केलेला आहे तो राजा रविवर्मा सन्मान समारोह आज मी आभार जे मानणार आहे ते विमलेशजी की उन्होंने मेरे को सन्मान किया है एक पेंटिंग देखी और मेरे को बोली की हां तुम्ही आता या इथे आणि करूया कारण सगळ्यांना आपण सन्मानित करणार आहोत पहिला मान तुम्हाला देऊया आणि आपण सन्मानित करूया मी परत एकदा मेघ मंडल संस्थान के सभी पदाधिकारी को सन्मानित करते हैं और उनके आभार मानते हैं और आपके सबके आभार मानते हैं जय जय मंडल आपल्याला खूप खूप शुभेच्छा धन्यवाद और अगला नाम हम ससम्मान बुलाना चाहते हैं शंपा दास जी को शंपा दास जी रंगों में वो जादू है जो रंगने वाले भीगने वाले और देखने वाले तीनों के मन को विभोर कर देते हैं इनकी पेंटिंग्स यूनिवर्सल लैंग्वेज की तरह है इट अलोन कैन डिस्क्राइब एवरीथिंग शंपा दास जी हम ये कहना चाहेंगे कि कोलकाता के राजभवन की दीवारों पर भी आपकी पेंटिंग्स का श्रृंगार हो बहुत बहुत शुक्रिया और अगला नाम सुहास निम्बालकर जी एक चित्र हजार शब्दों के बराबर होता है और एक चित्र कविता है जिसका माधुर्य सभी के कानों में गूंजता है तो असीम आनंद होता है निम्बालकर जी के चित्र में ऐसे ही ब्लैंक कैनवस और वैसे ही शून्य तुलिका से सिर्फ एक डॉट करते हैं और उसके बाद उकेरते हैं बहुत सी सुंदर नायाब दुर्लभ तस्वीर आपसे सम्मान पा रहे हैं हमारे महामहिम राज्यपाल जी के हाथों जी स्कूल ऑफ आर्ट और एमएस यूनिवर्सिटी बड़ोड़ा से पेंटिंग की शिक्षा ग्रहण की कालिदास आर्ट एग्जीबिशन और साहित्य कला परिषद द्वारा सम्मान प्राप्त निम्बालकर जी काम ललित कला अकादमी ये भी शोभायमान है अगला नाम मैं बहुत ही इज्जत से लेना चाहूंगी आदरणीय संगीता गुप्ता जी का हौसलों के पंख मजबूत करो इतने ही कि
हर उड़ान की मंजिल आसमान बन जाए, अपनी अलग पहचान बनाए IRS चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स न्यू दिल्ली, साइंस स्ट्रीम से आर्ट्स और डेबिट क्रेडिट में गोल्ड मेडल टॉपर, ये अंदर की कलाकार कुल बुलाती रही। आपने, हम आपको बता दें कि 10 पुस्तकें लिखी हैं कविता की, और प्रिफेस महादेवी वर्मा जी ने लिखा है, और इनकी पहली पेंटिंग की एग्जीबिशन मदर टेरेसा तत्पश्चात राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम का आशीर्वाद भी आपने पाया। 28 सोलो प्रदर्शनी और 150 ग्रुप पेंटिंग, और इसके बाद श्रीधर अय्यर जी, कला के क्षेत्र में इत्तेफाक नाना हुआ श्रीधर अय्यर जी का। पहले तो कला जगत में 320 रुपए मासिक 2 महीने के लिए जॉब मिला, लेकिन बाद में कला ने इनको अपनी ओर खींच लिया, पेंटिंग्स की ओर, ट्राइबल पेंटिंग्स की ओर आकर्षित हुए। श्रीधर अय्यर जी सम्मान पा रहे हैं माननीय राज्यपाल जी के हाथों। आपने अलग अलग मटीरियल से लेकर कलाकृति में समझौते हैं, और 30 साल की कला यात्रा में आप फिल्म मेकर भी हैं, कैनवस और सेलुलॉयड से सिनेमा तक का सफर, एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग के महारथी। अगला नाम हम लेना चाहेंगे अनु नायक जी का। कहते हैं कि जितना ऊंचा होता है वो उतना अधिक विनम्र होता है कलाकार, और यही कलाकार, सच्चे कलाकार की पहचान है। अनु नायक वैसी ही हैं, उनकी कला भी जमीन से, पृथ्वी से और जन साधारण भारतीयता का प्रतिनिधित्व करती है। उनके चित्रों के विषय ज्यादातर सड़क और भिक्षु और बच्चों और महिलाओं के इर्द गिर्द होते हैं। गर्व की बात है कि उनकी चुनिंदा चित्रकारी सभी और क्रिस्टीन्स के द्वारा ग्राहकों तक पहुंची है। बहुत बहुत शुभकामनाएं अनु नायक जी का। अगला नाम जय जारोटिया जी, एक कलाकार जिसने कभी भी विचारों और फॉर्म की भौतिकता के साथ प्रयोग करने में हिचकिचाहट नहीं की। प्रक्रियात्मक माध्यम से चित्र बनाने और शिक्षण देने के पक्षधर हैं। राजस्थानी कारीगरों के परिवार में आपका जन्म 1945 में हुआ। ललित कला के अध्ययन दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट से किया। रोशन अलकाजी की खोज जय जारोटिया जी। अगला नाम लेने से पहले मैं यही कहूंगी उनके लिए कि मेरी हद भी रंग, सरहद भी रंग, बेहद रंग, अनहद रंग, मंदिर मस्जिद मैकद रंग, रंगरेज मेरे, रंगरेज मेरे। बहुत ही खुशगवार मौका है मेरे लिए नाम लेने का आदरणीय सिद्धार्थ जी। हरे रंग के दरवाजे से अंदर जाएं तो ऐसा प्रतीत होता है कि इनका स्टूडियो किसी मंदिर से कम नहीं। तिब्बत में तनखा पेंटिंग सीखने का मौका मिला, फिर स्वीडन और उसके बाद शोभा सिंह के सानिध्य में आए सिद्धार्थ जी, फिर इनका रंगों की दुनिया में चमत्कारिक सफर चंडीगढ़ से शुरू हुआ। 135 ग्रुप शोज दुनिया भर में हुए। आधुनिक शैली और स्वयं के अनुभवों से प्रेरित सिद्धार्थ जी का हम स्वागत करते हैं, और आदरणीय सिद्धार्थ जी आपसे विनती है कि आप यहाँ आए और अपने अल्फाज यहाँ पर अपने उद्गार पेश करें। श्रीमान प्रोफेसर कप्तान सिंह सोलंकी जी, और सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके हाथों ये सम्मान हुआ तो मैं बहुत धन्य हुआ साहब। मैं तो कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगा, परंतु तो थोड़ा सा रवि वर्मा जी के बारे में कहना चाहता हूँ कुछ एक, क्योंकि उनके बारे में हमारा आपस में एक आदान प्रदान होना पहले जरूरी है। थोड़ा सा कुछ एक हिस्टोरिकल फैक्ट्स बताना चाहता हूँ, क्यों हम उनको बहुत पसंद करते हैं।
क्यों वो हमारे मन मानस में इतना गहरे में चले गए? आखिर ऐसी क्या बात थी? यूरोप में एक मॉडर्न आर्ट का, एक विधा का एक बहुत बड़ा आयाम चल रहा था। जिस वक्त राजा रवि वर्मा इधर हिंदुस्तान में थे और हमारे यहाँ मिनिएचर पेंटिंग और हमारा एक हिंदुस्तान का एक अलग तरह का एक स्टाइल था चित्रकला का, उधर बहुत कुछ रियलिस्टिक काम चल रहा था, जिसमें बहुत फोटोग्राफिक रियलिस्टिक काम चल रहा था, जिससे प्रभावित हुए हमारे राजा रवि वर्मा और उनके कैनवस और उनके रंगों का तरीका उन्होंने अपनाया। इसलिए वो हिंदुस्तान के पहले मॉडर्न आर्टिस्ट हैं और अपने जॉनर में अपने सब्जेक्ट के साथ उन्होंने काम किया। जैसे कि वहाँ की एक रियलिस्टिक जो कला थी, चित्रकला थी, उसकी वजह से जो वहाँ का एक हॉलीवुड का जो सिनेमा है उसकी शुरुआत होती है। तो हमारे यहाँ राजा रवि वर्मा जी, ही इज ए प्री बॉलीवुड आर्टिस्ट, उसने हमारे हिंदुस्तान के सिनेमा को एक नया रास्ता दिया, हमारी रामलीला का रूप चेंज कर दिया, हमारे सोचने का तरीका, हमारे कपड़ों का, हमारे फैशन का, यहाँ तक के जो खूबसूरती का तरीका था वो तो बदला ही, और साथ में जनमानस के अंदर जो हमारे देवी देवता हैं उन सब का जब नया एक रूप धारण उन्होंने हमारे जनता को दिखाया, लोगों को दिखाया, तो उसका इतना बड़ा असर है कि वो आज तक हम अपनी रामलीला से लेके हमारा जितना नाटक है और हमारा जितना बॉलीवुड है उसकी जो जितनी भी रूप सज्जा और सारा कुछ है उसके ऊपर आधारित होती है। और एक चीज और बताना चाहता हूँ मैं कि सबसे पहला बॉलीवुड के अंदर जो कैमरा आया वो श्री रवि राजा रवि वर्मा जी ने खरीद के दिया। ये बात बहुत कम लोगों को पता है, परंतु उन्होंने कुछ उस वक्त 2 लाख कुछ रुपए, जो बहुत बड़ी रकम थी, आज करोड़ों के हिसाब से है, उस वक्त उन्होंने वहां से जर्मनी से कैमरा आया और यहाँ पर ये फिल्म दादा फाल्के साहब जो थे उन्होंने शुरू किया, और उनका इतना बड़ा योगदान जो है हमारे सिनेमा में, हमारी कला में है, इसलिए हम उनको पहला मॉडर्न आर्टिस्ट हिंदुस्तान का मानते हैं। तो इस धन्यवाद के साथ और इस खूबसूरत इंसान की जात के साथ साथ, मैं सदा जब विमलेश जी को देखता हूँ तो मुझे लगता है उनके चित्र से ही निकल के आए लगते हैं।